चलो अब हम नई क्लास के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हमारा टॉपिक है कि हमने जो सेट ऑपरेशन सेट्स लिए थे उसके भी कुछ ऑपरेशन होते हैं जो हमें बेसिक क्लास के अंदर समझने होंगे, क्योंकि ये आगे वाले टॉपिक्स के अंदर यूज़ आते हैं। तो पहले मैं कुछ सेट ऑपरेशन ले लेता हूँ जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। सेट ऑपरेशन बेसिक हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी अभी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सेट ऑपरेशन में यूनियन। यूनियन को हम ऐसे लिखते हैं यू से। यूनियन का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप टू सेट को का यूनियन ले रहे हो तो इसका मतलब है आप टू सेट को कंबाइंड कर रहे हो। मींस इसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे एक्स टाइप के जो सेट ए का एलिमेंट होगा या फिर बी का एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यानी कि इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए के एलिमेंट है, जो सेट या फिर बी के एलिमेंट है या दोनों के ही कॉमन एलिमेंट है। बहुत सारी जगहों पर तो ये लाइन लिखी भी नहीं जाती, वो सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि या तो ए में हो या फिर बी में हो, इसमें दोनों वाले भी कॉमन आ जाएंगे। कैसे इसको समझो, जैसे मैं पहले दो डिस्क्रीट सेट को ऐड करता हूं, एक यूनियन लेता हूं। ए सेट में एलिमेंट है मेरे पास 1, 2, 4, 7 और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 2, 3, 6। ठीक है, अब मैंने ए और बी का यूनियन लिया तो यूनियन के अंदर क्या हो जाएगा, ए सेट भी आएगा और बी सेट भी आएगा। मतलब सारे एलिमेंट्स कंबाइंड कर देने हैं, ए के भी सारे एलिमेंट लिख लेने हैं और बी के भी। तो ए का एलिमेंट है 1, 2 दोनों में ही है तो 2 भी आ जाएगा, 3 सिर्फ बी में है 3 आएगा, 4 सिर्फ ए में है 6, 7। मींस सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए और सेट बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। देख लो इसमें कोई भी एलिमेंट की बात करो तो वो एलिमेंट या तो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है या फिर सेट बी में बिलोंग करता है। आप इसको और सिंपल तरीके से अगर समझना चाहो तो आप एक बार इसको ऐसे लिख सकते थे, ए के सारे एलिमेंट लिख दो एक बारी 1, 2, 4, 7। अब बी के सारे एलिमेंट लिखो तो मैं अगर 2 लिखता हूं तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो 2 नहीं आकर के बचे हुए कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 और 6, क्योंकि ये इसमें नहीं थे। तो अब अगर इसको आप सीक्वेंस वाइज लिखते हो तो लिखोगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। ये तब का केस हमने लिया है जब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन हो तब। बाकी अपन सेट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें जितना बेसिक कंसेप्ट के लिए चाहिए अभी मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस वाले एग्जांपल में क्या है, ए सेट इसमें एलिमेंट है 2, 3, 6, 10। बी सेट इसमें एलिमेंट है 0, -1, 4। अब मैं दोनों को यूनियन ले रहा हूं, ए यूनियन बी, तो इस केस में क्या आएगा, देखो पहले सारे एलिमेंट ए के लिख लो 2, 3, 6 एंड 10, फिर बी के एलिमेंट लिख दो 0, -1 एंड 4, क्योंकि कुछ भी कॉमन था ही नहीं। तो जब आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट -1 देन 0 देन 2, 3, 4, 6 एंड 10। तो आपके पास यूनियन का मतलब क्या हो रहा है, यूनियन का सिंगल सा मीनिंग हो रहा है कि आपके पास सेट ए को पूरा ले लो और सेट बी को भी कंबाइंड कर दो, मतलब ए और सेट बी दोनों को कंबाइंड करना है। तो ये बेसिकली अभी तक यूनियन का मीनिंग है। अभी एक केस और आएगा कि यहां पर तो था देखो ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन थे, सेकेंड केस में ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब यूनियन लिया तो ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए। जब यहां यूनियन लिया तो भी ए और बी के सारे एलिमेंट आए, लेकिन 2 दो बार नहीं लिखा गया, 2 सिर्फ 1 टाइम लिखा जा रहा है। अब ऐसे ही एक केस और लेंगे, पहले एक बार इतना नोट कर लो।
अब हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बारी ए के एलिमेंट हैं 2 and 4 और बी सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 4, 9। अब अगर आप देखो तो ए पूरा का पूरा ही बी के अंदर आ गया, ए के दोनों एलिमेंट बी के अंदर भी है। तो इस केस के अंदर जब आप ए यूनियन बी लेते हो तो क्या आएगा, 1, 2, 4 and 9। तो अगर आप ध्यान दो तो वापस से कौन आ गया, सेट बी। तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर ही हो तो ए और बी का यूनियन होता है ए यूनियन बी। बाकी इनको सेट में बहुत डिटेल में समझना है, लेकिन अभी इतना समझना जरूरी है कि हां भाई यूनियन कैसे लेते हैं। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, ए सेट है 4, 5, 10, 12, 13 और बी सेट है सिर्फ 5, 12। तो इस बार बी सेट के सारे एलिमेंट ए में है, देखो 5 और 12। तो अब जब आप ए और बी का यूनियन लोगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो 4, 5, 10, 12 and 13। तो वापस इस बार कौन आ गया, ए। मींस अगर ए सेट बी का सबसेट हो, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो ए और बी का यूनियन हो जाता है सेट बी। और अगर ए सेट बी सेट के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट होंगे तो ए और बी का यूनियन होगा सेट ए। मींस जिस सेट के अंदर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट है, जब आप दोनों को कंबाइंड करोगे तो वो सेट आ जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट थे। इसको हम बाद में सबसेट और सुपरसेट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, ये तो सेट क्या थे, सारे के सारे डिस्क्रीट सेट थे, सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट्स वाले सेट थे, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट ही हो गए, 5 एलिमेंट ही हो गए। अब हम कंटिन्यूअस सेट उसका भी यूनियन लेते हैं। नाउ यूनियन ऑफ कंटिन्यूअस सेट, यूनियन ऑफ कंटिन्यूअस सेट, देखो कैसे कैसे यूनियन आ रहे हैं। जैसे मैं इन टू सेट का यूनियन ले रहा हूं, 1 से 5 यूनियन 2 से 9। अब मैंने इनका यूनियन लेना है तो 1 से 5 क्लोज इंटरवल में है तो मैं इसे नंबर लाइन पर ऐसे लिखूंगा, इधर कहीं पर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, इधर बोर्ड पर नहीं आ रहा है, इस साइड से लिख देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। सिर्फ मान लो मैं 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो मेरा पहला सेट है वो 1 से 5 तक है, इसको नंबर लाइन पर लेता हूं तो ऐसे लूंगा। दूसरा सेट जो मेरा है वो 2 से 9 तक है, तो जब आप इन टू सेट का यूनियन लेते हो तो आपको दोनों सेट को कंबाइंड कर देना है, मतलब ये पूरा जिसमें ये वाला सेट भी आ जाए और ये भी आ रहा हो, या तो ये आ जाए या ये आ रहा हो, ए यूनियन बी का मीनिंग। तो आपका पूरा सेट 1 से लेकर 9 तक चला गया, तो ए यूनियन यानी कि इन दोनों सेट का यूनियन क्या आ गया, 1 से लेकर 9 तक। मींस ये वाला रीजन भी और आगे वाला रीजन भी मैंने पूरा कंबाइंड कर दिया है, मिला दिया है, तो इसलिए पूरा का पूरा रीजन आया 1 से लेकर 9 तक। तो यूनियन का सिंपल सा जो मीनिंग है कंटिन्यूअस सेट में वो क्या है, पहले वाले सेट को भी ले लो और दूसरे वाले सेट को भी ले लो। अब इसमें भी अलग अलग केसेस बन सकते हैं। देखो यहां पर तो क्या था, कुछ एलिमेंट कॉमन थे, यहां से लेकर यहां तक के सारे एलिमेंट कॉमन है दोनों में, ये देखो दोनों लाइनें आ रही है इसी पर। तो अब जब आपने यूनियन लिया तो आपने शुरू से लेकर एंड तक सब ले लिया। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं, इस बार क्या हो रहा है, एक सेट तो है मेरे पास में 2 से लेकर 10 तक और यूनियन मैं ले रहा हूं 3 से लेकर 6 तक।
अब जब मैंने इन दोनों सेट का यूनियन लिया तो देखो फर्स्ट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो फर्स्ट सेट आ गया मेरे पास में टू से लेकर टेन तक, और सेकंड सेट है थ्री से सिक्स, ये रहा थ्री से सिक्स। अब जब इन दोनों को कंबाइंड करोगे यूनियन लोगे तो आपको ऐसा सेट लेना है जिसमें दोनों ही आ जाए टोटल, तो हमारे पास में क्या हुआ यहां से लेकर यहां तक में ये वाला सेट भी आ गया और ये सेट भी आ गया, तो इसका यूनियन ही कौन हो जाएगा टू से लेकर टेन तक। तो आपको हमेशा इस चीज पर ध्यान देना है कि यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन का सिंपल सा एक ही मीनिंग है कि दोनों सेट को कंबाइंड कर दो और जो टोटल रिजल्ट आए वो लिख दो। अब कंबाइंड का मतलब कई लोग प्लस समझ लेते हैं, प्लस नहीं है, यहां पर कंबाइंड का मतलब है टू यूनियन टेन और थ्री यूनियन सिक्स है। कई सोचते हैं सर टू प्लस थ्री और टेन प्लस सिक्स बाद वाले को बाद में जोड़ दो, वो नहीं है यूनियन। यूनियन का मीनिंग है दोनों सेट को लेना है एक साथ, मतलब ये वाला सेट भी आ जाए और ये भी सेट आ जाए तो इसमें जो ज्यादा रीजन कवर करेगा आप उस सेट को ले लोगे, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो। एक एग्जांपल और लेते हैं, इस बार ही हमारे पास में क्या है ए सेट है मेरे पास, ओपन इंटरवल में मैंने लिख दिया फोर माइनस फोर से टू, एंड बी सेट है मेरे पास में वो है माइनस फाइव से टू लेकिन क्लोज है। तो अब जब आप इन दोनों सेट का यूनियन लोगे तो नंबर लाइन पर स्टार्ट हो जाओ माइनस फोर माइनस माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री। तो फर्स्ट सेट जो आया वो माइनस फोर से टू तक आया है। अब देखो उसमें माइनस फोर इंक्लूडेड नहीं है तो मैं इधर सर्कल कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, और माइनस फोर से लेकर मैं टू तक गया, टू को मैंने टू को भी इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि टू की तरफ ओपन है, तो मैंने माइनस फोर से टू तक के सारे एलिमेंट ले लिए जिसमें मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया कॉर्नर वालों को। लेकिन जब सेकेंड केस की बात करता हूं तो वो है माइनस फाइव से टू तक, तो यहां पर माइनस फाइव को इंक्लूड नहीं कर रहे से लेकर टू तक, लेकिन इसमें टू शामिल हो गया है क्लोज ब्रैकेट है इसलिए। तो जब आप दोनों का यूनियन लोगे ए यूनियन बी करते हो तो उसमें क्या होगा कंबाइंड देख लो यहां से लेकर यहां तक पूरा, तो क्या हो गया माइनस फाइव से टू तक। अब देखो टू की तरफ ये वाला ब्रैकेट यूज लिया जाएगा क्योंकि टू को भी इंक्लूड कर दिया इससे, और माइनस फाइव पर ओपन ही रहेगा क्योंकि माइनस फाइव इंक्लूड नहीं हुआ है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कौन सा नंबर इंक्लूडेड नहीं है कौन सा नंबर इंक्लूड हो रहा है। तो यूनियन लेते टाइम पर आपको दोनों सेट का कंबाइंड करना है। एक एग्जांपल और, इस बारी फर्स्ट सेट है ए है मेरे पास माइनस थ्री से वन, और बी है मेरे पास टू से फोर। अब मैं इसका जब कंबाइंड करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस जगह पर लिख देता हूं, मैं उतने में आएगा नहीं, माइनस थ्री से वन तो पहले माइनस थ्री से ही ले लो, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन, उधर है टू से फोर टू थ्री फोर फाइव। तो पहला जो सेट है मेरे पास वो क्या आया माइनस थ्री से वन, और माइनस थ्री भी इंक्लूडेड नहीं है और वन भी इंक्लूडेड नहीं है, और सेकंड में क्या आया टू से फोर जिसमें टू इंक्लूडेड नहीं है लेकिन फोर इंक्लूडेड है। तो अब जो इसका यूनियन होगा ना वो यही लिखा जाएगा ए यूनियन बी, मुझसे पूछे तो क्या होगा ये वाला भी सारा रीजन होगा और ये भी सारा रीजन होगा। तो आप लिखोगे माइनस थ्री से वन यूनियन टू से फोर, मींस हमारा सीधा सा एक ही मीनिंग है ए सेट भी पूरा आना चाहिए और बी सेट भी पूरा आ जाना चाहिए। मतलब आप ऐसा सेट लो जिसमें ए भी पूरा आ जाए और बी भी पूरा आ जाए,
लेकिन कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अब किसी के मन में यह आ जाए कि सर ये भी लेना है और ये भी लेना है, तो यहां से लेकर यहां तक का सारा रीजन ले लूं, तो आंसर इज नो। ए सेट कंप्लीट आएगा, बी सेट कंप्लीट आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए ए और बी के अलावा। तो यूनियन का एक ही मीनिंग है, कंबाइंड सेट ए एंड सेट बी, और इसमें एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट ऑपरेशन पर आते हैं, इट इज ऑपरेशन नंबर टू, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को ऐसे लिखा जाता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है रियल में एक शॉर्ट शब्द में लिखा जाए ना तो कॉमन। आप कॉमन लोगे, टू सेट है तो भी, थ्री सेट है तो भी, कितने भी, उसका कॉमन रीजन देखना है हमें। ठीक है, आपके पास जैसे कभी ये लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में होंगे। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, ये एलिमेंट का साइन है, इसे यूं भी बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। एक बार लिख देता हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब है एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ए का एलिमेंट होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, सेट ए का भी एलिमेंट होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, बी का भी एलिमेंट होगा। एंड में और पिछले यूनियन के अंदर हमने और लिखा था, इसमें हमने एंड लिखा है। और का मतलब होता है या तो सेट ए में हो या बी में हो, तो हमने उस दोनों को लिख दिया। लेकिन एंड का मतलब है सेट ए में होगा एंड बी में होगा, तो मतलब दोनों में होगा, मींस सिर्फ कॉमन देखने हैं आपको। कैसे, एग्जांपल से समझो। सबसे पहले ए एंड बी दोनों ही मैं डिस्कार्टी ले रहा हूं, ठीक है। तो जब ए और बी दोनों ही डिस्कार्टी सेट है तो उस केस में क्या होगा, ए सेट मैंने लिख दिया 1, 3, 5, 8, 10, और बी सेट मैंने लिख दिया 2, 3, 5, 9। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, दोनों सेट में कॉमन देखने, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 3, 5। अगर ए और बी डिस्कार्टी सेट है, डिस्क्रीट सेट है, तो ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, आपको सिर्फ वही लिखना है। ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए है मेरे पास 2, 4, 9, 15 और सेट बी है मेरे पास 1, 5, 11। अब जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं तो मैंने सेट बनाना स्टार्ट किया, कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है ए सेट और बी सेट के अंदर। तो उस केस में आप क्या करोगे, इस सेट को एम्प्टी लिख दोगे, मींस इसमें कोई एलिमेंट नहीं डालोगे। आप इस सेट को एम्प्टी लिखने के अलावा ऐसे भी लिखते हैं 5। एम्प्टी सेट और 5 एक ही है, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आए। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं था, इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख दिया, एम्प्टी सेट या बोल दो तो 5। तो ये दो केसेस अभी हमारे पास में बने। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं। इस केस में क्या हुआ, ए सेट के एलिमेंट हैं 2, 4, 8, 11, 15 और बी सेट के एलिमेंट है 4 and 11 ओनली। अब देखो ए बी सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में ही आ रहे हैं, तो अब जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको तो कॉमन ही देखना है। तो देखो 4 दोनों में कॉमन है और 11 भी दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या आ गया, सेट बी आ गया। ठीक है, तो आपको कॉमन एलिमेंट्स निकालने, मतलब इंटरसेक्शन का मीनिंग ही एक है कि सेट ए और सेट बी का कॉमन सेट। ओके, एक बार नोट कर लो, इसमें दोनों आएंगे, सेट ए के एलिमेंट भी आएंगे एंड सेट बी के एलिमेंट भी आएंगे, मतलब कंबाइंड आएंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे, सेट ए के एलिमेंट भी हो और जो बी में भी हो, दोनों में हो लेकिन कॉमन होना चाहिए, एक्स्ट्रा होने नहीं हो। अभी तो हमने डिस्क्रीट सेट को
इंटरसेक्शन निकाला था। अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे जब आपके पास में कंटिन्यूअस सेट का इंटरसेक्शन, जैसे ए सेट मेरे पास है माइनस फोर से फाइव और बी सेट मेरे पास है माइनस वन से सेवन। मैंने इंटरसेक्शन निकालने की बात करी, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, क्योंकि इसमें नंबर सेवन तक जा रहे हैं ना, मैं वो सेट ले लूंगा। तो मेरा फर्स्ट सेट माइनस फोर से फाइव, देखो जिसे माइनस फोर इंक्लूडेड नहीं है, से फाइव तक, जिसमें फाइव इंक्लूडेड है, फिर माइनस वन से सेवन, माइनस वन, इसमें माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है, से सेवन, जिसमें सेवन इंक्लूडेड है। अच्छा, इधर फाइव भी इंक्लूडेड नहीं था, सॉरी। अब आप इन दोनों में कॉमन देखोगे, क्योंकि आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन। तो यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, ये रीजन पे दोनों लाइनें आ रही है, देखो फर्स्ट वाली ये वाली लाइन भी आ रही है और ये लाइन भी आ रही है, मींस सेट ए भी इसमें इंक्लूडेड होगा और सेट बी भी इंक्लूडेड होगा। तो यहां से लेकर यहां तक होगा, लेकिन ध्यान रखना जो पॉइंट दोनों जगहों पर मिले आपको वही लेने हैं। तो यहां देखो, कुछ को लगेगा कि सर इधर माइनस वन इसमें तो इंक्लूड हो रहा है लेकिन यहां इंक्लूड नहीं हो रहा, तो कॉमन तो नहीं हुआ माइनस वन, तो माइनस वन इंक्लूड नहीं होगा से लेकर फाइव तक। अब देखो फाइव इधर इंक्लूडेड नहीं है लेकिन यहां पर इंक्लूड हो रहा है, तो आप जब कॉमन रीजन देखोगे तो फाइव को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि फाइव दोनों में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने फाइव को भी ओपन इंटरवेल लगा दिया। तो आपको पहले पहचान करनी होगी कि कॉमन लेते टाइम पर आप रीजन किस तरह से देखते हो। क्लियर, नोट कर लो एक बार। चलो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, आपको इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों सेट का, एक है माइनस थ्री से टू, एक है इसका यूनियन माइनस वन से फोर, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन माइनस वन से फोर, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, आप पहले खुद निकालो और फिर मैं निकालूंगा, तब आप आंसर मैच करना। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले माइनस थ्री से टू नंबर लाइन ले लो, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ये फोर तक जा रहा है ना, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास है माइनस थ्री से टू, तो माइनस थ्री और टू दोनों पर मैंने सर्कल बनाया और बीच में ओ लाइन से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि इधर दोनों में कॉर्नर में ओपन है। सेकंड रीजन माइनस वन से फोर, तो और यहां पर भी ओपन है, तो माइनस वन से फोर ओपन ले लिया, इसे कंबाइंड कर दिया। अब जब दोनों के कॉमन रीजन की बात आई, तो यहां से लेकर यहां तक का रीजन दोनों में कॉमन है, तो जब इस कॉमन रीजन को देखता हूं तो माइनस वन से टू के बीच आता है, लेकिन माइनस वन से टू के बीच आंसर आ तो रहा है पर ये माइनस वन इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि देखो माइनस वन दोनों में कॉमन नहीं है, यहां पर माइनस वन छूट रहा है, तो आपको इधर ओपन लेना पड़ेगा। इधर टू भी दोनों लाइनों पे कॉमन नहीं है, क्योंकि टू तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, ये इसका आंसर आएगा। मतलब दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो माइनस वन से टू आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, ओपन इंटरवेल में। तो आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है माइनस टू से सिक्स यूनियन जीरो से फोर। अब आप इन दोनों का यूनियन लेकर के खुद निकालो, पहले आप खुद चेक करना और बाद में इस वीडियो को कंप्लीट करना। सॉरी, मैंने यूनियन लिख दिया फिर से, इसकी जगह पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आपको करना है। देखो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा, सबसे पहले माइनस टू से सिक्स ले लो,
माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें है माइनस टू से सिक्स तक, दूसरा है जीरो से फोर, जीरो से वो भी देखो क्लोज से फोर। तो आपके पास जब आप दोनों का कॉमन रीजन देखते हो तो यहां से लेकर यहां तक कॉमन रीजन है। अब इसमें मैंने लिख दिया, मैंने कहा ओके भाई जीरो से फोर तक है, अब क्या ये दोनों नंबर इंक्लूड हो रहे हैं? तो यस, जीरो इधर भी है और जीरो इस लाइन पे भी है, क्योंकि जीरो इंक्लूडेड हो चुका है, तो जीरो भी इंक्लूडेड हुआ हुआ है और यहां पर फोर भी कॉमन में इंक्लूडेड है, तो जीरो से फोर पर आपको क्लोज करना पड़ेगा, आप इसमें ओपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीरो भी यहां पर डार्क है और इधर भी है, अगर ये इंटरवल में जीरो सर्कल होता ना तो आप जीरो की तरफ ओपन इंटरवल लगा देते, तो आपको थोड़ा इंटरवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है। ओके, अब ये नोट कर लो। अब हम आगे करते हैं, तो एक सेट तो हम ले लेते हैं ओपन, या एक सेट तो ले लेता हूं कंटिन्यूअस और एक सेट ले लेता हूं डिस्क्रीट। कैसे? जैसे हमारे पास में ये पूछा गया कि भाई इसका मुझे यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, माइनस फोर से टू यूनियन जीरो वन थ्री फाइव, ये है, इन दोनों का यूनियन लेना है और एक बार इन्हीं का इंटरसेक्शन ले लूंगा, माइनस फोर से टू इंटरसेक्शन जीरो वन थ्री फाइव। तो सबसे पहले मैं माइनस फोर से टू को नंबर लाइन पर लेता हूं, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, और इस पर कौन है? जीरो वन थ्री फाइव, जीरो वन थ्री फाइव, तो जीरो वन टू, चलो एक मिनट, थ्री फोर फाइव। अब देखो सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये सेट क्या है और ये सेट क्या है। जब आपने पहले इस सेट की बात करी माइनस फोर से टू, तो ये रहा माइनस फोर और ये रहा टू, आप माइनस फोर से टू तक पूरा सेट ले लोगे। और नेक्स्ट केस में हमारे पास में सिर्फ ये फोर एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट बीच वाले नहीं होंगे, सिर्फ ये फोर एलिमेंट ही होंगे, तो इसमें आप क्या करो, जीरो भी इंक्लूडेड है, वन भी इंक्लूडेड है, थ्री इंक्लूडेड है और फाइव इंक्लूडेड है। अब मेरा पहला काम, मुझे यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होता है, ये वाला सेट भी पूरा आ जाता है और ये भी पूरा आ जाता है, मतलब मैं ये भी पूरा लूंगा और ये भी पूरा लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट का आंसर निकाला तो मेरे पास में क्या आया, देखो यहां से लेकर यहां तक ये सेट पूरा लिखा जाएगा, तो माइनस फोर से टू तक कंबाइंड हो गया, माइनस फोर से टू, और साथ में देखो ये दोनों नंबर ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं, सॉरी माइनस फोर से टू पूरा आ गया है, माइनस फोर से टू उसमें ये दोनों नंबर भी आ गए इस सेट के, जीरो कोमा वन, और फिर आगे ये दोनों नंबर भी लिखने हैं, सिर्फ थ्री और फाइव। तो आप यहां पर जब यूनियन में लिखोगे तो थ्री और फाइव भी लिखोगे, फाइव मीन्स आपको जीरो वन को अगर आप छोड़ देते हो ना तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि जीरो वन ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके थे। पर जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हो, मतलब कॉमन रीजन की बात करते हो, तो दोनों के अंदर कॉमन रीजन क्या है, वो सिर्फ ये दो पॉइंट है जीरो और वन, ये जीरो वन इधर आ रहे हैं कॉमन, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो ओनली जीरो और वन टू पॉइंट है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो होगा जीरो कोमा वन, सिर्फ टू पॉइंट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यूनियन है क्या, इंटरसेक्शन है क्या। जब आप ये समझ जाओगे ना, इसका लॉजिक समझ जाओगे, इतना सा ही समझना है, यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइंड करना है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में से कॉमन ढूंढना है। तो जब मैंने इधर कॉमन ढूंढा तो मुझे सिर्फ ये दो जगह कॉमन मिली, जो यहां भी है इस लाइन के ऊपर भी है और इस वाले रीजन में भी है, तो ये दो कॉमन पॉइंट आए सिर्फ। और जब मैंने यूनियन किया तो मैंने ये पूरा लिया और साथ में अब इन दो को भी लेता तो ये तो रिपीट होते, तो रिपीटेशन करना नहीं है, तो ये और ये आगे वाले दोनों पॉइंट और, अब ये सिर्फ दो पॉइंट ही लिए जाएंगे, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट ही लगाया। ठीक है, नोट कर लो ये भी।
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस बार, क्या है हमारे को इंटरसेक्शन लेना है माइनस टू से प्लस टू, इंटरसेक्शन जीरो से फोर, इंटरसेक्शन वन बाई टू, वन बाई थ्री, फोर, फाइव, सेवन, इन सब का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब सेट के अंदर नंबर कैसे भी आ सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं वन बाई वन इन सेट्स को बनाता हूं और जो कॉमन आएगा मैं वो लिखूंगा। तो जब मैंने इसको लिया माइनस टू से टू, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, और जीरो से फोर भी मुझे जाना है तो थ्री, फोर, फाइव, और इधर मुझे फोर, फाइव, सेवन, सेवन तक जाना है तो सिक्स एंड सेवन। ठीक है, मैं सबको एक बारी प्लॉट करता हूं इस पर। सबसे पहले माइनस टू से टू, तो ये रहा माइनस टू और ये रहा टू। ओपन क्यों लगाया, ओपन के कारण से ये सर्कल खुले लगा दिए क्योंकि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे। फिर जीरो से फोर, ये रहा जीरो और ये रहा फोर, जीरो से फोर। फिर वन बाई टू, वन बाई थ्री, अब देखो वन बाई टू आता है पॉइंट फाइव तो वो यहां कहीं पर होगा वन बाई टू, वन बाई थ्री वो भी यहां कहीं पर होगा, ये हो गया वन बाई थ्री, ये हो गया वन बाई टू। फिर होगा फोर, फोर की सीध में होगा, फिर फाइव और देन सेवन। अब जब मैंने सब में कॉमन जगह देखी तो देखो पहले मैंने इसमें और इसमें कॉमन देखा तो ये वाला रीजन कॉमन आ गया था, पहले इस इन दो सेट का इंटरसेक्शन देखा तो ये आया। अब इसके अंदर और इस थर्ड वाले में सिर्फ वन बाई थ्री और वन बाई टू कॉमन है तो ओवरऑल सबका कॉमन जो आंसर आएगा वो होगा वन बाई थ्री कोमा वन बाई टू। तो इंटरसेक्शन में आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉमन रीजन देखना आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप यही यूनियन ले लेते, मान लो मेरा सेम क्वेश्चन हो जाता कि इंटरसेक्शन की जगह पर आप भाई यूनियन निकालो, मींस माइनस टू से टू, यूनियन जीरो से फोर, यूनियन वन बाई टू, वन बाई थ्री, फोर, फाइव एंड सेवन। तो मैं क्या करता, मैं उसको अलग कलर से दिखाता हूं जो मैं यूनियन में लिखता। तो मैं यहां से लेकर, देखो यूनियन में सब कंबाइंड हो जाता है, मैं यहां से लेकर यहां तक सारा रीजन ले लेता क्योंकि इन दोनों लाइनों के यूनियन में वो आता है। फिर आगे ये रीजन नहीं आ रहा तो मैं सिर्फ ये पॉइंट लिखता और ये पॉइंट लिखता, तो जो मेरा यूनियन आता ना वो क्या होता, यहां से लेकर यहां तक, और इसके कॉर्नर में देखो इसके कॉर्नर में ओपन इंटरवेल है लेकिन यहां पर ये पॉइंट फोर शामिल हो गया है तो इधर ये भले इंक्लूड ना हो लेकिन इसमें तो इंक्लूडेड है और यूनियन में क्या होता है सारी चीजें आ जाती है। तो आपको क्या करना होगा, माइनस टू से फोर, अब फोर के अंदर ये वाला पॉइंट इसको इंक्लूड कर रहा है ऊपर वाला तो इसलिए यहां पर हो जाता क्लोज ब्रैकेट, यूनियन एक पॉइंट और आ जाते फाइव एंड सिक्स। आपको इस वीडियो को कम से कम दो बारी तो देखना ही है तो आपकी, ताकि भाई रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है कि आपको समझ में आ जाता है ना तो आप उसका रिवीजन अगर नहीं करते तो दिक्कत आती है। ये चीज़ ऑफलाइन में भी है, रिवीजन सबसे जरूरी है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो।